घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दिवसीय दौरे पर दरभंगा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने कमला बलान पद्मश्री तटबंध का निरीक्षण किया और तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री ने सबसे पहले दरभंगा एयरपोर्ट के रिंग बांध की पुनर्स्थापन पीसीसी रोड निर्माण का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वो लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि वो कर्नाटक के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में भी कल शिरकत करेंगे। तो वहीं बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आज मोतिहारी आएंगे, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के मोतिहारी आने के क्रम में पूर्वी चंपारण की सीमा में प्रवेश करते ही उनका बेहद ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। सात जिला के प्रवेश द्वार बंगराही बाजार पर स्वागत के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सम्राट चौधरी का फूल माला और अंग वस्त्र देकर स्वागत किया है। इस मौके पर पीपरा के भाजपा विधायक श्याम बाबू यादव ने चंपारण के ऐतिहासिक आंदोलन से जुड़े कार्यों का प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें उनका स्वागत किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में चुनाव होने वाला है। हम लोग के नेता आदरणीय राधामोहन सिंह जी आने वाले थे, लेकिन वो मोतिहारी में इंतजार कर रहे हैं, अध्यक्ष का वहां तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 24 के चुनाव में जो शराब पिएगा और मर जाएगा उसके परिवार को बताना पड़ेगा कि कहां से शराब आ रहा है। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, तो क्या ये गारंटी दोगे कि नीतीश जी बिहार में यदि एक भी शराब का बोतल दिखेगा तो नीतीश कुमार इस्तीफा करेंगे क्या? खबर भागलपुर से है, जहां क्राइस्ट चर्च के कैंपस में बन रहे दुकानों, मॉल्स और भवनों के चल रहे निर्माणाधीन कार्य को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि एक तरफ जहां चर्च ऑफ इंडिया पाकिस्तान वर्मा शिलांग के विश्व मोस्ट लाब्रा चार्ज अगस्त जो लखनऊ के हैं और फादर जैकब जॉनसन दास जो पूर्णिया के हैं, उन्होंने चर्च की जमीन पर बन रहे निर्माण कार्य को पूरी तरीके से अवैध बता दिया है। वहीं भागलपुर के विशव हाजदा ने इसे झूठा करार साबित देते हुए कहा कि ये जमीन पटना डेसोसिस की है। हम लोग जो जितना भी प्रक्रिया में, जैसे शुरू में कहा, सारा प्रक्रिया हमारे सब पास सारा डॉक्यूमेंट्स है और जो आरोप लगा रहा है वो कुछ भी सच्चाई नहीं है। ईश्वर उसके मन को परिवर्तन करें, हम लोग तो सबका भला चाहते हैं। वो लोग जो आए थे, वो लोग आखिर थे कौन? वो लोग अपना आए थे, जो दावा कर रहे हैं, जो हम लोग मीडिया में आप लोगों के से जाने सुने, जो भी दावा कर रहे हैं वो बेबुनियाद है। जो बयान था वो बहुत ही सख्त के बिना इस तरह का आरोप लगाना कि वो भूमाफिया हैं और क्या क्या हैं, तो इसलिए हमारे अनुयायी हैं, जो भी सब के हमारे होते हैं, उसके जो अनुयायी हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हैं, यहाँ बिहार में भी हैं और झारखंड में भी, पटना डायसिस बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है, और इन सारे बयान को देखकर हम सभी काफ़ी आहत हुए हैं और हमें दुख हुआ है, और इसलिए इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति यहाँ आहूत की है, ताकि लोगों को ये पता पैदा हुई
सिर्फ उसी को दूर करने के लिए हमने आप लोगों को बुलाया है। और वस्तु स्थिति क्या है, इसका लीगल आस्पेक्ट क्या है, सिर्फ उस चीज़ की चर्चा हम करेंगे और ये व्यक्ति हैं कौन उसके बारे में बताएंगे। हम सबसे पहले आप लोगों को ये व्यक्ति कौन है, जैकब जॉनसन दास और इनके साथ दो अन्य व्यक्ति हैं, थोड़ा सा जोर से अच्छा। ये बिहार के भागलपुर में ट्रैफिक सर्जेंट रामबचन कुमार के नेतृत्व में मनाली चौक पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां पुलिसकर्मियों ने बिना हेलमेट पहने युवक को रोका और फाइन करने की बात कही, जिस पर युवक काफी आक्रोशित हो गया और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से ही बदतमीजी पर उतर आया। इतना ही नहीं, ट्रैफिक सार्जेंट रामबचन द्वारा लाख समझाने पर भी जब युवक नहीं माना और पुलिस कर्मियों से रौब झाड़ते हुए खुद को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बताने लगा। इसके अलावा अपने अन्य साथियों को बुलाकर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मी को वीडियो बनाने पर मोबाइल छीन कर हाई वोल्टेज ड्रामा तक शुरू कर दिया गया। वह युवक का नाम सोनू कुमार बताया जा है, जो जोकसर थाना क्षेत्र अंतर्गत आदमपुर इलाके का रहने वाला है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबर बिहार से है, जहां मोतिहारी के पूर्वी चंपारण जिले के महसी पीएचसी में सरकारी मरीजों के बीच मुफ्त वितरण के लिए आई लाखों रुपए की दवाई कचरे के ढेर में पाई गई है, जहां एक्सपायर दवाओं के नाम पर अच्छी दवाओं को फेंक दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये दवाएं अगले 6 महीने तक एक्सपायर होने वाली नहीं थी। वही सिविल सर्जन ने इस मामले को लेकर जांच कमेटी बनाने की बात कही है और उन्होंने कहा कि जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। ये कोई जानकारी नहीं है, हम जांच कराएंगे और जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जैसा सर, दवा काफी अच्छा ज्यादा मात्रा में फेंका हुआ है, हमको दिखाया जाए उसका कहाँ फेंकी हुई है, कितनी फेंकी हुई है, उसका एविडेंस दिया जाए। हम जाँच करवाएंगे और उसके परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई करेंगे जाँच रिपोर्ट के आधार पर। तो वहीं नालंदा में दीपनगर थाना क्षेत्र के इलाके के राड़ा बीघा गांव में गुप्त सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम मसोमतिया देवी के घर छापेमारी करने गई थी, जहां छापेमारी के क्रम में उत्पाद विभाग की टीम ने मसोमतिया देवी के पुत्र को शराब के साथ गिरफ्तार किया। और जैसे ही उत्पाद विभाग की टीम गिरफ्तार अभियुक्त को अपने साथ लेकर जाने लगी, इसी दौरान ग्रामीण और शराब माफियाओं के द्वारा उत्पाद टीम पर हमला कर दिया गया। वही उत्पाद इंस्पेक्टर राम नरेश महतो ने बताया कि इस मामले में एक अभियुक्त के साथ ही अन्य अभियुक्त रविशंकर प्रसाद को 15 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है और उत्पाद विभाग की टीम पर हमले के दौरान अभियुक्त रविशंकर प्रसाद गंभीर रूप से चोटिल तक हो गए हैं, जिसे इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो उसी के यहाँ घर में गए तो दारू भी मिला, उसके बेटा पकड़ भी लिए,
रोड पर आए, रोड से थोड़ा भीतर है इसका घर, रोड पर आए तब तक दारू खोजने में समय लगा था, तब तक रोड पर पूरा भीड़ 50 लोग लड़का सब युवक सब आके जबरदस्ती घीच तीर के ले गया उसको। ओ, छुड़ा लिया जो पकड़ा था। हाँ, उसको छुड़ा लिया और रोड़ा बाजी करने लगा, जिसमें दोनों गाड़ी का शीशा तीसा सब फोड़ फाड़ दिया है। बिहार में महुआ अनुमंडल के कठहरा ओपी के छोड़ारी गांव में मारपीट का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग एक महिला और उसकी बेटी को ईंट से मारकर बुरी तरीके से घायल कर चुके हैं और घायल महिला और बेटी को इलाज के लिए महुआ अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन महिला की स्थिति को नाजुक देखते हुए उसे सदर अस्पताल फिलहाल रेफर कर दिया गया है। अब पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। कि हमको रेप किया कि क्या किया से हम नहीं जाने। क्या नाम है आपका? रिमशीला देवी। कौन लोग था करने वाला? रामदास कम, रामदास का नाम है, ज्ञानती देवी, कामनी। कहाँ घर हुआ आपका? छौराही पंचायत चेरा कला, प्रखंड चेरा कला है। मेरे को सब मारने लगा, मेरी मम्मी और तो मम्मी को भी मारने लगा सब, और लिटल और सबसे मारने लगा और डांट सब घर में से निकाल के मेरी और मेरी मम्मी को मारने। क्या नाम है तुम्हारा? जुली। कौन लोग हैं मारने वाले? रामदास, उनकी पत्नी ज्ञानती देवी, उनकी बहू रंजना कुमारी और उनकी बेटी कामनी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3,00,000 से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।